हैं। और उसके बाद हमने फैसला कर लिया है कि हम मीटिंग देख के तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जा चुके हैं, स्पीकर के सामने हमने रेफरेंस दायर कर दी है पार्लियामेंट में, और अब हमने ये फैसला किया है कि हमने पूरी पिटिशन तैयार कर ली है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और नवाज शरीफ को जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, टैक्स एवेजन, जो भी चीज़ें सामने आई हैं, ये जब से पैनामा की इनकी कंपनी का इंतजाम हुआ है, तो इन सारे के ऊपर अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक और इंतजाम हुआ और वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि सरों ने ये कहा कि जनाब नवाज शरीफ कोई इनके ऊपर नहीं, इनके बच्चों के ऊपर हुआ। हालांकि बच्चे इनकी हजरत मरियम नवाज 20 साल की डिपेंडेंट उनके नाम पे, हालांकि बच्चे इनकी उस वक्त मरियम नवाज 20 साल की थी, डिपेंडेंट थी, उनके नाम पे कंपनीज निकली हैं जिन्होंने फेयर के महंगी महंगी अपार्टमेंट्स लिए। लेकिन एक और ये जो इंकशाफ हुआ है वो ये, और ये इंकशाफ किया है वर्ल्ड बैंक का स्टोलन एसेट्स रिकवरी इनिशिएटिव है, इसको स्टार कहते हैं। ये जो स्टार है ये स्टोलन एसेट्स रिकवरी, यानी कि जो कौमों से, मुल्कों से पैसे बाहर जाते हैं, चोरी का पैसा बाहर जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के पास एक विंग है जो कि जिसका काम ही है कि ये एसेट्स की रिकवरी करना। उसने उसके इंकशाफ पर निकली है कि एक शैमरॉक कॉरपोरेशन है जिसके बेनिफिशरी ओनर नवाज शरीफ है। शैमरॉक कॉरपोरेशन स्टार ने एक्सपोज किया है और इसके बेनिफिशरी ओनर है नवाज शरीफ। लेकिन इसमें एक और बड़ी मजेदार चीज नजर आती है कि इस ये अकाउंट खोला गया था 1993 में नाम था सलमान जिया के नाम पे, लेकिन जो पासपोर्ट इस्तेमाल किया गया था जिसका हमारे पास नंबर है 3127835, ये जो पासपोर्ट है ये काशिफ काजी का है। अब काशिफ काजी वो आदमी है जिनका नाम इसहाक डार ने अपने एफिडेविट में 7 साल के बाद दिया था, ये वो काशिफ काजी है। इनका नाम इसहाक डार ने अपने एफिडेविट में दिया था कि ये इनके मनी लॉन्ड्रिंग करके इनके अकाउंट में पैसा गया है, इंग्लैंड में इल्फर्ड में रहने वाले हैं। तो ये इसहाक डार ने 7 साल के बाद दिया था, तो इनका नाम आया इनके पासपोर्ट नंबर पे $3,50,000 93 के अंदर भेजा गया, शैमरॉक के अंदर $3,50,000 या पाकिस्तान से भेजा गया। हमारे पास रसीदें हैं, ये हमारे पास आपको भी दी हुई है, हमने बी बैंक जीरो की रसीदें हैं $3,350,000 की, और ये इन्होंने भिजवाई वहां उस शैमरॉक अकाउंट में, और 93 ही था जब इन्होंने पहले मेफेयर के अरबों रुपए के फ्लैट्स खरीदे जिनकी अब अरबों रुपए की कीमत है, तो वही टाइम था जब इनका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर गया। ये भी हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब लेके आ रहे हैं। पहले तो हमारे पास 3 रजिस्ट्रियाँ हैं हमारी, नवाज शरीफ कहते हैं 2005 में लिए इन्होंने मेफेयर की अपार्टमेंट्स में, हमारे पास रजिस्ट्रियाँ हैं कि 93, 94, 95 में लिए हैं, और एक पर 2004 बेंच की जिसमें जिस जजमेंट में वो कहते हैं कि चारों इनके फ्लैट्स अटैच किए गए थे अल्तफीक केस के अंदर हुदायबा पेपर मिल के डिफॉल्ट पे, वो भी हमारे पास है। और अब ये भी हमें मिल गया है जो कि ये साबित करता है कि नवाज शरीफ ने यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके यानी यहाँ का करप्शन का पैसा बाहर गया है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, कल का हम देख रहे हैं मीटिंग टीओआरस का क्या फैसला होता है, लेकिन हमें पता है कि गवर्नमेंट कभी भी टीओआरस नहीं मानेगी, मानना अगर उनको खौफ ना होता किसी चीज़ का तो अब तक मान गई होती। तो और दूसरी चीज़, अब दूसरा हमारी मीटिंग में फैसला हुआ है कि हम इंशाल्लाह 2 जलसे कर रहे हैं, एक गुजरात में
यानी 3 तारीख को हमारा कंटेनर शुरू हो रहा है गुजरांवाला से, और गुजरांवाला से वो जाएगा लाहौर, और वो फिर हम उसको एक पाकिस्तान मार्च करवाएंगे कि सारे पाकिस्तान से हम लोगों को कहेंगे कि लाहौर में आए। क्योंकि अगर अभी तक ये जवाब नहीं देंगे, हम इनको वक्त अभी भी दे रहे हैं, लेकिन अगर 3 तारीख तक जवाब ना आया इनका, तो हमारा फिर गुजरांवाला से लाहौर मार्च शुरू होगी कंटेनर पे, और फिर उसको हम पाकिस्तान मार्च कहेंगे, जिधर सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे, और लाहौर में फिर हम अगला आपको फैसला बताएंगे कि लाहौर के बाद अब हम क्या करने लगे। खान साहब, ये चीज बड़ी एस्टैब्लिश हो रही है, और आजकल ये चीज जबान से ध्यान में कि आप पॉपुलैरिटी लूज कर रहे हैं, आपकी रैली के अंदर लोग जो पिंडी से इस्लामाबाद थी उसके अंदर नहीं आए जितनी आपकी तौकात थी, एक तो इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, और दूसरा ये बताएगा क्या ये जो जलसे आप करने जा रहे हैं, आप क्या इसी पॉपुलैरिटी को लूज होते हुए देखते हो, आपने ये फैसला किया? थैंक यू। मैं दो इसके जवाब देता हूँ। पहले तो पॉपुलैरिटी खत्म भी हो जाए ना, मैं फिर भी इसको नहीं छोड़ूंगा, पैनामा को मैं इसको छोड़ने नहीं लगा, क्योंकि पाकिस्तान की तबाही की तरफ जा रही है, करप्शन हमारे मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है, सारी गुर्बत, अमीर गरीब में फर्क, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप हर चीज की जड़ पे जाए, तालीम पे पैसा नहीं खर्च हो रहा, इंसानों पे पैसा नहीं खर्च हो रहा, ऑरेंज ट्रेन पे खर्च हो रहा है कमीशन बनाने के लिए, हर चीज की जड़ करप्शन है। पाकिस्तान का फ्यूचर डिपेंड करता है कि अगर हम इस करप्शन पे काबू नहीं पाएंगे, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, तो अगर ये पॉपुलैरिटी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, खत्म भी हो जाए, तो मैं तो इसको अब छोड़ने नहीं लगा, और मैं आपके सामने प्रोग्राम दिया कि हम तो जा रहे हैं लाहौर, और इंशाल्लाह फिर देखेंगे लाहौर, आप देख लेंगे सारे रास्ते में देख लेंगे पॉपुलैरिटी कितनी है। लेकिन ये जो दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि जो पॉपुलैरिटी कम है, मैंने तो निकला पहले पेशावर से, 16 घंटे में पहुंचा खैराबाद, मैंने तो जो सीन रास्ते में देखे हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं तो कुछ और सीन्स देख रहा था, मैंने जो पिंडी में देखा फैजाबाद तक बदकिस्मती से मीडिया ने कवर नहीं किया, क्योंकि मुश्किल था वो कवर करना, क्योंकि मीडिया पहुंच गई वहां इस्लामाबाद। आप फैजाबाद के अंदर देख लेते जिस तरह पब्लिक निकली है, हमारे कार को नहीं, पब्लिक निकली है, दोनों तरफ सड़कों पर पब्लिक खड़ी है, पीछे कितनी दुनिया थी, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे इस्लामाबाद में, इसलिए हमें कंटेनर छोड़ के गाड़ियों में जाना पड़ा, वो सारे लोग और रैली को हम पीछे छोड़ के चले गए। लेकिन ये याद रखें कि इस वक्त किसी पार्टी के पास वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो तहरीक इंसाफ के पास है। मैं आपको चैलेंज करके इंशाल्लाह अगले आप देख लेंगे कि हमारा जो प्रेशर है, हमारे जो जलसे हैं, आप देख लेंगे गुजरात में भी, जेलम में भी, और फिर आप गुजरांवाला के बाद अवाम का समुंदर देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, ना भी पॉपुलैरिटी हो, इतना बड़ा जब मुल्क में प्राइम मिनिस्टर पकड़ा जाए इतना बड़ा जुर्म करते हुए, और मैंने आप नए इंकशाफ आपको दे दिए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम चुप करके तमाशा देखें कि जी मेरी पॉपुलैरिटी नीचे ना चली जाए तो इसलिए मैं चुप करके बैठ जाऊं। हम आखिर तक जाएंगे इसके ऊपर। खान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो वक्त का आपने इंतखाब किया प्रोटेस्ट का, ये दूसरा वक्त नहीं है, और दूसरा 15 अगस्त को जो नरेंद्र मोदी ने जो बलोचिस्तान के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बयान दिया, इसके ऊपर आपका पार्टी मौकफ क्या है? मैं पहले तो ये आपका क्या मतलब के वक्त ठीक नहीं है, मतलब